डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए पाँच पाँच मार्क्स के दो क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन लेकर के आ चुका हूँ। सबसे पहले क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ, फिर उनके सॉल्यूशन बताऊँगा। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाँच नंबर का, बोर्ड परीक्षा 2020 आने की संभावना है। इसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन है अनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्यूशन बताऊंगा और प्लाज्मिड वाले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन बताऊंगा। हो सकता है ये 10 नंबर आपके इस वीडियो की मदद से कन्फर्म हो जाए, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पर लिया सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो फ्रेंड देखिए, प्लाज्मिड वेक्टर क्या होते हैं, यानी जो प्लाज्मिड है, जीवाणु कोशिका में प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला दोहरे स्टैंड वाला डीएनए अणु है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको याद भी करना पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छे तरीके से लिख पाओगे, क्योंकि कम से कम आपको ये 150 वर्डों में इसका आंसर लिखना होगा, तभी आपको पूरे 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो प्लाज्मिड क्या है, ये जीवाणु कोशिका में प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला दोहरा स्टैंड वाला डीएनए अणु है, जो केंद्रक के बाहर स्थित होता है। ये कहाँ पर स्थित होता है, केंद्रक के बाहर स्थित होता है। इसमें एक द्विगुणन प्रारंभ स्थल होता है। सबसे पहले देखिए, ये दोहरे स्टैंड वाला डीएनए अणु है, केंद्रक के बाहर स्थित होता है और इसमें एक द्विगुणन प्रारंभ स्थल होता है। तीन पॉइंट क्लियर हो गए। इसके बाद देखिए, तथा इसका विभाजन कोशिका विभाजन से अलग स्वतंत्र रूप में होता है। प्लाज्मिड वेक्टर का विभाजन क्या होता है, कोशिका विभाजन से अलग यानी पृथक रूप में सबसे अलग होता है। प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में 1 से लेकर 1000 तक हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये पांचवा टॉपिक पॉइंट हो गया आपके लिए। आप पॉइंट के रूप में याद करोगे ना, तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। जैसे 3-4 पॉइंट अभी याद कर लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यानी ये कोशिका में 1 से लेकर 1000 तक इनकी संख्या हो सकती है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्लाज्मिड में सफल वेक्टर के सभी गुण नहीं होते, अतः इन्हें आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा बदल लिया जाता है। यानी जो नेचुरल रूप में प्लाज्मिड पाए जाते हैं, नेचुरल रूप की बात हो रही है, तो उनमें सभी प्रकार के वेक्टर हैं, यानी जो सफल वेक्टर हैं वो पूरे नहीं होते हैं, तो इनको हम क्या है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा अलग अलग कर लिया जाता है। अधिकतर प्लाज्मिड में प्रतिजैविक रोधी जीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रतिजैविक रोधी जीन होते हैं। सबसे पहला आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा तैयार किया जाता है। जो वेक्टर प्लाज्मिड PBR322 था, जिसे ई कोलाई के प्लाज्मिड में तैयार किया गया था, सर्वाधिक प्रयोग में पाए जाने वाले प्लाज्मिड वेक्टर PBR322, PBR327, PBM9, PC194, PRK648 तथा PUC है। ये प्लाज्मिड के कुछ नाम दिए गए हैं। यानी उच्च पौधों में T1 प्लाज्मिड तथा R1 प्लाज्मिड का प्रयोग अधिक होता है। प्लाज्मिड का उपयोग अनुवांशिक इंजीनियरिंग में भी किया जाता है। देखिए, इसका उपयोग मानव इंसुलिन, टेपेटलिस बी वैक्सीन आदि के निर्माण में किया जाता है। और देखिए, ये वाला प्लाज्मिड है PBR322 और संवाहक PBR322, यानी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले क्लोनिक संवाहक में एक आदर्श संवाहक के सभी गुण नहीं है। बोलवीर तथा रेड्रिगुज ने प्राकृतिक ई कोलाई प्लाज्मिड में PBR322 नामक संवाहक बनाने में सफलता प्राप्त की थी। इस संवाहक में दो प्रमुख प्रतिजैविक यानी टेट्रासाइक्लिन तथा एम्पिसिलिन के लिए प्रतिरोध क्षमता पाई जाती है। यह सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला प्लाज्मिड संवाहक है। तो फ्रेंड, प्लाज्मिड की ये थी थोड़ी बहुत स्टोरी, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ऊपर वाली जो समझने वाली कहानी थी वो मैंने आपको समझा दी। तो इस तरीके से आप प्लाज्मिड वेक्टर को समझ करके, रट करके 5 नंबर आपने कन्फर्म कर सकते हो बोर्ड परीक्षा में। चलिए फ्रेंड, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, अनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है, इसे पुनर्संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी क्यों कहते हैं और मानव हित में इसकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए।
तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड, क्योंकि ये 5 नंबर का बोर्ड परीक्षा पूछा जाएगा। आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या होती है, तो चलिए इसके आंसर की बात करते हैं। आनुवांशिक या जीनो अभियांत्रिकी, इसके अंतर्गत डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण, 2 पृथक डीएनए खंडों को जोड़ना, डीएनए की मरम्मत, डीएनए के कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को पृथक करके बदलना, इच्छित जीन को स्थापित करना आदि क्रियाएं आती हैं। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए आनुवांशिक अभियांत्रिकी, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण, 2 पृथक डीएनए खंडों को जोड़ना, यानी 2 अलग अलग डीएनए खंड है तो उनको जोड़ना इसके अंतर्गत आएगा, इसका कृत्रिम संश्लेषण इसके अंदर आएगा, डीएनए की मरम्मत करना भी इसके अंतर्गत आएगा, और डीएनए के कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनको अलग अलग करके बदल कर अपने इच्छा अनुसार जीन को स्थापित करना, ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत आती हैं। तो इनमें से आप 2-3 रिएक्शंस यानी 2-3 अभिक्रियाएं भी आप लिख दोगे तो आपका आंसर है बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अभी बात करें आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के अनुप्रयोग क्या हैं। आनुवांशिकी जो इंजीनियरिंग में इसके मुख्य प्रयोग हैं वो आप अभी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पर क्या आता है, मानव जीन्स की मैपिंग, जो ये आनुवांशिकी अभियांत्रिकी इसका सबसे नंबर पर क्या उपयोग किए गए हैं यहाँ पर उपयोग बताने जा रहा हूँ अभी। तो नंबर 1 पर क्या लिखा गया है, मानव जीन्स की मैपिंग यानी डीएनए पुनर्योगज तकनीक द्वारा मानव जीन्स की गुणसूत्र पर स्थिति का निर्धारण किया जा चुका है। तो देखिए आपको क्या करना है, अगर ये मतलब 3 नंबर में या 4 नंबर में पूछा जाए तो आपको ये यहाँ पर अनुप्रयोग बताए हुए इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 5 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे तभी पूरे 5 नंबर मिलेंगे। नंबर 2 पर क्या है, व्यक्तिगत जीन्स की पहचान करना, व्यक्तिगत जो जीन्स है इसकी पहचान भी हम यानी आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा ही कर पाएंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है, आनुवांशिकी इंजीनियरिंग द्वारा व्यक्तिगत जीन्स की पहचान की गई और इस माध्यम से अनेक रोगों के जीन्स की भी खोज की गई, जिससे क्या होगा यानी उन रोगों के इलाज का यानी उपचार करने में हमको मदद मिली। इसके बाद देखिए नंबर 3 पर क्या है, आनुवांशिकी रोगों का उपचार यानी आनुवांशिकी रोगों के उपचार के लिए पहले प्रयोगशाला के जंतुओं में मानव रोग के जीन को प्रविष्टि कराया गया, फिर क्लोनिंग द्वारा ऐसे जंतुओं की संख्या बढ़ाई जाती है, इसके बाद इन रोगों के उपचार के प्रयोग इन जंतुओं पर किए जाते हैं, यानी मानव इंसुलिन, मानव वृद्धि हार्मोन्स, मानव इंटरफेरेन का उत्पादन। तो ये है इसके कुछ अनुप्रयोग। देखिए यहाँ पर मैंने अनुप्रयोग में 3 हेडिंग आपको बताई, नंबर 1 पर मानव जीन्स की मैपिंग, नंबर 2 पर व्यक्तिगत जीन्स की पहचान और नंबर 3 पर आनुवांशिक रोगों का उपचार। तो ये 3 हेडिंग आपने याद कर ली। अभी जैसे बताया गया ना, अभी 2 नंबर में पूछा गया तो आपको सिर्फ हेडिंग लिख देनी है, सिर्फ यहाँ पर आपको इतना लिख देना है यानी आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के अंतर्गत डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण, डीएनए खंडों को जोड़ना, डीएनए की मरम्मत करना, डीएनए के कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको अलग अलग करके अपनी इच्छानुसार जीन को स्थापित करना, ये सभी क्रियाएँ हैं। ये किसके अंतर्गत आती हैं, आनुवांशिकी इंजीनियरिंग यानी आनुवांशिकी अभियांत्रिकी या आनुवांशिकी इंजीनियरिंग एक ही बात है, उसका इंग्लिश वर्ड का ये हिंदी अर्थ है, इंजीनियरिंग का मतलब है अभियांत्रिकी। तो ये सभी अभिक्रियाएँ इस अभियांत्रिकी के अंतर्गत आती हैं, इसके प्रयोग निम्नलिखित हैं, नंबर 1 मानव जीन्स की मैपिंग करना, नंबर 2 व्यक्तिगत जीन्स की पहचान करना, नंबर 3 आनुवांशिक रोगों का उपचार करना। फ्रेंड यहाँ पर अगर 5 नंबर में पूछ लिया है तो आप इनका एक्सप्लेन कर देना। इसके बाद देखिए पहले क्वेश्चंस की बात करें तो प्लाज्मिड वेक्टर क्या है, इसको मैंने विभिन्न खंडों में आपको बता दिया था कि प्लाज्मिड वेक्टर क्या होता है, जीवाणु कोशिका में ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला 2 स्ट्रैंड वाला डीएनए अणु होता है, ये केंद्रक के बाहर रहता है, द्विघटन प्रारंभिक स्थल होता है, इनका विभाजन कोशिका विभाजन से अलग यानी स्वतंत्र रूप से होता है, प्लाज्मिड जीवाणु की कोशिका में 1 से लेकर 1000 तक हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इन क्वेश्चंस को खंडों में याद करोगे तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे,
और बात करें इसकी पीडीएफ फाइल की, तो पीडीएफ फाइल डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और उसमें हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो वो इसकी पीडीएफ फाइल व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको मिल जाएगी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जा करके भी आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके मदद से आप 10 मिनट में पा सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।